माजी हंसदा का ऐसे ही हुआ था, विक्रम पर बच्चा पैदा हुआ था। तो वो जिंदा रहा? नहीं, मर गया था। डैम के नीचे हम लोग का तालाब है, पहले हम लोग नहाता था, जब से डैम बना है अभी ना साबुन हो रहा ना मछली पालन हो रहा। आपके बाद जो आएगा जनरेशन वो कैसे जिएगा? और रिफ्यूजी हो जाएगा, 2 एकड़ जमीन में खेती नहीं कर पाते। नहीं, इसका खेती भी पूरा दलदल हो गया। दो दो को बच्चा ऐसे हुआ, बच्चा माने पूरा फोड़ा फोड़ा टाइप, वो भी नहीं है, मर गया। और तो आपको जो तकलीफ है ये जो पैर का, ये कितनी उम्र से हुई है? 4 साल। डॉक्टर होते तो हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, चीज रेडिएशन के चलते हम लोग का ये हो रहा है। दीदी है मेरा तो चल भी नहीं पाती यार, मैंने चल चल के गिर जाती है। जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है उस पर तो कुछ करना होगा, उस पर जिम्मेदारी किसकी है? फिर वही बात, वही प्रश्न हम दोहराते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या यूसीएल प्रबंधन, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये जीवन मरण का प्रश्न है, इनकी आजीविका का प्रश्न है। नमस्कार, जोहार, मैं शशांक शेखर मशाल न्यूज़ से। फिलहाल हम गांव में आए हैं और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं जादूगढ़ का क्षेत्र है और यूसील का वो कचरा वाला तालाब है, यूरेनियम जहाँ पे खनन होता है यहाँ पे, इसके बाद सब कोई जानते हैं। फिलहाल हम चाटीकोचा गांव में आए हैं, बिल्कुल करीब है ये गांव, और ये ग्राम प्रधान है मेघराज सोरेन जी। जार जार यहाँ पर आए हैं खास ये जानने के लिए, हमारा मकसद ये है कि जो करीब के गांव हैं यूसील के, तो उन गांव में बहुत तरह की इस तरह से बातें होती है, अखबारों में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ काफ़ी दिक्कतें होती हैं, स्वास्थ्य को लेकर है, पर्यावरण की बात हम करें तो आप लोगों के साथ क्या कुछ चल रहा है? आप लोग कितने सालों से ये जो गांव है पुराना गांव है? हाँ, ये पुराना गांव है। तो यहाँ किस तरह से आपका रहन सहन, आप लोगों को सुविधाएं यूसील की तरफ से मिलती हैं, ये सब हम जानना चाह रहे हैं। ये सुविधा कुछ नहीं है, खाली जा यहाँ स्टार्टिंग बिना नोटिस से बुलडोजर चला दिया, घर द्वार तोड़ दिया है और कुछ नहीं मिला है, खाली दिया है नौकरी हम लोग, सारी सुविधाएं जो मिलने की बात और है, जितना सुविधा है वो कुछ नहीं मिला है सुविधा। स्वास्थ्य को लेकर जो आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके अलावा जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े, बच्चों पर जो होता है नए नए जो बच्चे पैदा होते हैं ये बात सुनी जाती है, जो भी प्राणी है वो विकलांग पैदा होते हैं, मतलब दिव्यांग पैदा होते हैं, अलग अलग तरीके से एक बीमारी लेकर पैदा होते हैं, तो ये क्या सच्चाई है इसकी? ये सच्चाई भीमाजी हंसदा का ऐसे ही हुआ था, विकलांग बच्चा पैदा हुआ था। तो वो जिंदा रहा? नहीं, मर गया, दोनों मर गए। अभी कोई लोग ऐसे हैं गांव में जिनको तकलीफ है? है सर। किस तरह के आपको कोई है सर, तो घर आप बता सकते हैं? हाँ, बुला सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम बात करेंगे उनसे भी, लेकिन फिलहाल ये जानना है कि आप ग्राम प्रधान हैं, आप इस गांव के मुखिया हैं, बोले तो एक तरह से आप अभिभावक हैं, तो इस नाते इस गांव के लोगों की जो आजीविका है वन उत्पाद से होती थी पहले, जंगल से जो भी लाते थे वो उत्पाद, उसको फिर बनाते, उसको बेचते, जो भी करते थे, आज वो सब कुछ चल रहा है या बंद हो गया? नहीं, अभी बंद हो गया सब, टोटल बंद हो गया। बंद हो गया, जगह जमीन ही ले लिया तो और कहाँ क्या करेगा, तो लोगों को रोजगार का क्या, रोजगार भी कहाँ दे रहा है, रोजगार भी नहीं, गिना चुना लोगों को मिला, खाली गिना चुना आदमी को मिला है, या तो हर एक परिवार, हर एक परिवार में एक दो को मिला है और बाकी सब और भी है और लोगों को भी नहीं मिला है। तो लोग जमींदार है, कैसे जीते हैं, क्या करते हैं लोग, और क्या करेगा, भटकते रहेगा और क्या काम करेगा, ठेकेदारी में, दूसरी जगह मजदूरी में, दूसरी जगह मजदूरी करके। खेती बाड़ी के लायक कुछ जमीन है हम लोग का? है, कुछ खेती कर पाते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा, सब सीपेज हो गया, बंजर हो गई है, बंजर हो गया, मतलब सीपेज, अच्छा यूरेनियम का जो पानी है वो सीपेज होने की वजह से, सीपेज की वजह से ऐसे हो रहा, ओहो वो नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, अच्छा जो पानी है आप लोग इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, खुला जो तालाब है या कुआं है, वो सब का काम होता सब है, सब खत्म, सब खत्म, ओला कुआं का पानी अगर डेक्ची में रख देगा ना, पूरा जंग हो जाएगा, पूरा लाल लाल हो जाएगा, तो ये मतलब यूरेनियम का असर है, नहीं है पीने लायक का, नहीं है मतलब धोने का भी नहीं, ये यूरेनियम का ही असर है? हाँ, असर है। अब जो हमारा ये कहना, जो निष्कर्ष पे हम पहुंचे इनसे बात करने के बाद, कि स्थिति तो नाजुक है, चाहे जितनी भी आप सफाई दे दो
मुझे लगता है कि यूरेनियम का जो असर है, जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो आसपास के गांव के लोगों पर, उनकी जीविका पर, उनके स्वास्थ्य पर बिल्कुल दिख रहा है। डैम के नीचे हम लोग का तालाब है, पहले हम लोग नहाता था, जब से डैम बना है अभी ना साबुन हो रहा ना मछली पालन हो रहा। तो ये डैम है ना? हाँ, नहीं ये सामने में है। अच्छा, तालाब है। ओहो, दो तीन ठो तालाब है ऊपर नीचे, और उधर नीचे भी खेती है, खेती में कुछ ये नहीं है, सब ये हो गया। मतलब इनकी जो जीविका के स्रोत थे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, खेती नहीं हो पा रही है, पानी इनका जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जंगल से जो उत्पाद मिलता था जो कुछ भी वो काम के लायक नहीं रहा, तो रोजगार के लिए जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रोजगार तो हर एक आदमी की जो बात है कि सभी को नहीं मिला है, सभी को नहीं मिला है। अब सुरक्षा की बात भी है, जिम्मेदारी उस सेल की बनती है कि सबको वो कम से कम सुरक्षा प्रदान करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहें या आजीविका के दृष्टिकोण से कहें, इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा ये कहना है, बात होने के बाद, इनसे जो बातचीत की इसके बाद हमको लग रहा है खाली हम लोग को खाली आश्वासन दे रहा, यहाँ देगा, वहाँ देगा, धोबनी देगा, भाटिन देगा, खाली अभी फिलहाल के लिए दिखा दिया, या बिना सोल में खाली दिखा दिया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जो सर्विस जितने लोगों को नौकरी मिली है वो पक्की नौकरी मिली है या ठेकेदारी के अंदर में? पक्की नौकरी मिला है। अच्छा, हाँ। मैंने आपको इसके बाद जो भी पैसा मिलना है रिटायरमेंट के बाद या पेंशन के, जो भी नियम है सरकार का, वो नियम यहाँ पर लागू है आपका नौकरी में? रिटायर होने के बाद पेंशन भी नहीं है और बेटा को भी नौकरी नहीं देगा 60 साल के बाद, मतलब आपके बाद वो खत्म खत्म, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ के लोग, जो आपके बच्चे की बात करें, आपके आपका जो आपके बाद जो आएगा जनरेशन, वो कैसे जिएगा? और रिफ्यूजी हो जाएगा, जमीन तो पूरा ले लिया है, वो क्या करेगा, अभी रिफ्यूजी बनेगा? बिल्कुल शोचनीय है। यूसील के चारों तरफ जितने भी गांव हैं, 5 किलोमीटर रेडियस की बात करें, एक नियम भी बनता है कि उस एरिया में आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जिस तरह की, हम तो कोई विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जो रेडिएशन की बात है, जो बात बार बार ये बातें सामने आती है कि इसके रेडिएशन के जो दुष्प्रभाव है वो बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। तो प्रधान जी, आपसे बात हुई, आगे उम्मीद करते हैं कि कुछ आप लोगों के लिए होगा, अच्छा कुछ हो पाएगा। हम लोग तो आंदोलन लड़े रहा है, लेकिन वही जब बच्चा रोने लगेगा तो उसी टाइम माँ दूध पीती है। ये बात भी सही है इनका। जब हम लोग बोले अधिकार लड़ते उसी टाइम देखेगा और बाद में चुपचाप हो जाएगा। जी जी, जरा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? श्यामा जी। इसी गाँव के रहने वाले जी। तो आपको क्या तकलीफ है, क्या बताना चाह रहे थे? हमारा खेती में मेरा भी चास नहीं हो रहा है। कितनी जमीन है आपकी खेती की? मेरा जमीन कम से कम 2 एकड़ जगह है। 2 एकड़ जमीन में खेती नहीं कर पाते? नहीं, नहीं, इसका खेती भी पूरा दलदल हो गया। दलदल हो गया पूरा। पूरा इसका खेती भी पूरा दलदल हो गया। जब अभी तो गए से अभी चला भी रहा। अभी भी चला, ट्रैक्टर जब घुसेगा ना पूरा ट्रैक्टर ही घुस जाएगा। अभी भी घर में देखिए, मेरा घर में तो पूरा एकदम सिपेज है। ओ, घर भी रहने लायक नहीं है? नहीं। तो ये इस पर आपको क्या कहना है, आपकी जो तकलीफ है किसको सुनाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? हम तो यूसेल मैनेजमेंट को चाहते हैं हम लोग को यहाँ से जल्दी से अच्छा जगह ले जाए, मतलब अच्छा जगह पुनर्वास किया जाए और पूरा तरह सुरक्षित हो, सारी सुविधाएं आपको वहाँ मिले जी। क्योंकि आपकी 2 एकड़ जमीन भी गई है, आपका घर भी गया है, रहने लायक नहीं जी। क्या नाम एक बार फिर बताइए? श्यामा जी। श्यामा जी, जो चाटीकोचा के रहने वाले हैं, और इनको तकलीफ है कि यहाँ पे मेरा भाई का बच्चा भी, यहाँ दो दो बच्चा ऐसे हुआ, बच्चा माने पूरा फोड़ा फोड़ा टाइप, वो भी नहीं है, मर गया, डेथ हो गया, मतलब पैदा होने के बाद से, फायदा आने के बाद इलाज भी नहीं चल पाया। TMH में इतना दिन रह गया, TMH में, टेलको में, आपका घाटशिला में, ये भी डॉक्टर तो रिकॉर्ड ही नहीं बोल रहा, यहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे। कल जितना दिन उसका यह बच्चा था, हाँ। तो उनका हुआ इस तरह से, वो जिंदा नहीं बचे। तो ये एक परिवार की बात नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये गांव में इस तरह की प्रॉब्लम है। वो घर का कैंसर से मर गए, और भीम माझी हंसदा का वो भी कैंसर से मर गए, और कुछ बच्चा यहाँ फायदा हुआ था आपका बिलंकल, ये लंगड़ा। तो इधर श्याम माझी के घर में आए हैं, ये कैंपस है, ये यहाँ पर ये कुछ खेती भी किया करते थे पहले, लेकिन आजकल नहीं हो पा रही, क्यों, क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर क्या हो गया क्या नहीं, अभी भी यहाँ पर बैल सब बकरी सब अगर बांध के रखेंगे वो घास भी नहीं खाता है, क्या कारण क्या नहीं,
तो घास भी इसका मतलब खाने लायक नहीं है। नहीं है, और यहाँ हम बगान करता था, सब कुछ हो रहा था, अभी तक वो भी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, ये जो ये सब घास जो है मेरे ख्याल से जहरीला हो गया, जहरीला टेस्ट नहीं है कुछ भी है। हाँ सर, देखिए जो अन्य पशु है उनको पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन इंसान ही ऐसा प्राणी है जो न खाने की चीज भी खा लेता है, चाहे जहर हो चाहे कुछ भी हो, सेहत खराब कर लेता है। ये पीछे वही दृश्य है जी सर, ये कचरा वाला जो तालाब है यूनिनियम का, यूसील का, और उसके नीचे आपका घर जी, पानी हमेशा रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है। आप लोग तो देख लिए, ये गर्मी के मौसम में यही हाल है सर, जाहिर है ऐसा ही होगा क्योंकि पानी है ऊपर में। देखिए सर, आप लोग देख लिए जी, पानी भी देख लिया, गर्मी का सीजन भी यही है, घर का अंदर भी इसी तरह पानी। हाँ, देख ले, से जीना मुश्किल हो गया है जी। अब सारे काम जो करता धरता लोगों को करना है कि भाई इन सारे गांवों ने क्या गुनाह किया था जो इस तरह से जीने को विवश है। वही प्रधान जी जो बोला, जो बच्चा रोता है माँ दूध पीता है, जब बच्चा दूध पिला दिया बच्चा चुप हो गया, जब हम लोग जब हड़बड़ी में जाएगा मैनेजमेंट के पास तब वो ये क्या, तब वो व्यवस्था करेगा, हम बोलेगा आप लोग लेटर दिया जाएगा, एक किया जाएगा, आपको यहाँ देगा वहाँ देगा, आश्वासन पे आश्वासन नेता लोग जैसे दिया करते हैं। तो क्या यूसीएल का जो ये प्रॉब्लम है आसपास के गांव के लोगों का, चाहे दिव्यांग बच्चे पैदा होते हों या खेती की इनकी ज़मीन चली गई, वातावरण पूरी तरह दूषित हो गया, क्या कोई इनका परमानेंट सॉल्यूशन है ये यूसील ही बता सकता है, या जो लोग हैं इससे जुड़े हुए जो लोग हैं जिम्मेदार लोग वो बता सकते हैं कि यूसील के आसपास में जो भी दुष्प्रभाव दिख रहा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इनको न्याय कैसे मिल सकता है। हाँ हाँ, अभी तक जो हम परदादा से, मेरा जगह जमीन है यहाँ का, मैंने हमारा परदादा से परदादा का है, लेकिन हम लोग ये अभी तक कुछ, मैंने बहुत सारा आदमी सब अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। नहीं मिला है आपको भी? नहीं, यहाँ नौकरी नहीं मिली? मिला है, हम लोग तीन भाई मिला है और बाकी है। अच्छा, घर द्वार तोड़ दिया, घर का पैसा भी नहीं दिया? नहीं, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन पैसे में आप क्या खरीदोगे, जो खरीदोगे जो खाओगे वो तो जहर है, जहर है, पेट के अंदर जा रहा है, तो आपका तो इस मैंने पैसा से ही सब कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा वातावरण आपके लिए स्वच्छ होना चाहिए, पानी आपको साफ मिलना चाहिए, खेती के लिए जमीन जो है वो खेती होनी चाहिए, फसल आपको उस तरह का शुद्ध मिलना चाहिए, चाहे सब्जी की बात हो चाहे अनाज की बात हो, वो सारी चीज़ें तो दूषित हो गई है, इसका निदान क्या है? ये सवाल उनसे है, यूसीएल वालों से है हमारा, और इन तमाम गाँव वालों का, यूसीएल के इर्द गिर्द जितने भी गाँव बसे हुए हैं इनका क्या गुनाह है जो उनकी वो ये सज़ा मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, महिला से हम मुलाकात करते हैं, नाम क्या है आपका? छीता टुडू जी। आपकी मतलब आप यही गांव है आपका, मतलब यहीं से बचपन आपका गुजरा है जी? और तो आपको जो तकलीफ है ये जो पैर का, ये कितनी उम्र से हुई है? वही मैंने 4 साल जब पैदाइश हुआ उसके, अच्छा, 4-3 साल उसके बाद ये आपको लगने लगा कि ये पैर में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कमजोर है। और ये पैर मतलब दुबला है इससे? हाँ, मेला दुबला है, एला ठीक है। अच्छा, तो अभी जो आप चलती हो तो मतलब वो पता चल जाता है कि आपको ये पैर में, ये अब सीधा पैर आपका सीधा नहीं है, मतलब कि नष्ट हो, मैंने सिकुड़ गया है इससे, थोड़ा सा नस खींच गया है। हाँ, हाँ। जिसके वजह से आप सीधे नहीं चल पाती। हाँ, वो। अच्छा, और क्या दिक्कत है आपको हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर ये पैर के कमर से लेके इधर इस साइड का, मतलब थोड़ा भी इसका इसमें तो ताकत नहीं है यहाँ से लेके इधर। अच्छा, तो इसका इलाज आपने कराया? कराए तो पहले, अभी तो नहीं किए हैं। मैंने जैसे अब आपका आदत बन गई फिर। हाँ, शुरू शुरू में आप लोगों ने इलाज जरूर कराया होगा, लेकिन देखा कि ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप लोग छोड़ दिए। अच्छा, ये इसके बारे में जरा बताइए, यूसील के बारे में, जिसके बहुत नज़दीक आप लोग रहते हैं, तो इससे जो बहुत कहते हैं कि इसके वजह से ये सब असर हो रहा है लोगों में, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई तो मतलब कि आप, हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हम लोग डॉक्टर तो नहीं है कि ये है। डॉक्टर होते तो हम लोग जांच पड़ताल करते, रेडिएशन के चलते हम लोग का ये हो रहा है, तो हम लोग को तो पता ही नहीं चल रहा कि क्या चीज़ से क्या हो रहा है ना। नहीं, ज़्यादातर जब गांव में दिखने लगता है, अगल बगल के गांव में, जब अगल बगल के घरों में जब दिखता है कि नहीं वहाँ का बच्चा इस तरह दिव्यांग पैदा हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा दिन जी नहीं पाया, ये अक्सर अगल बगल के गाँव में बात सुनी जाती है,
डॉक्टर बता पाएंगे, तो डॉक्टर लोगों का रिपोर्ट जब आता है, मान लीजिए कोई ऐसा बीमार पड़ के चला गया, तो डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो आती होगी। हाँ, रिपोर्ट तो मतलब ये रेडिएशन के कारण, वो तो डिटेल्स में तो हम लोग को नहीं बताया गया। हाँ, डिटेल्स में ये चलते आप लोग का ये होता है कि मैंने बच्चा विकलांग पैदा होता है कि समय पर नहीं होता है बच्चा, कि पानी का दूषित है, डॉक्टर ये कारण नहीं बता पाते हैं जी। लेकिन जो भी है, एक तो बात सही है कि जो पानी आप लोगों का आता है वो पानी पीने लायक तो नहीं है, तालाब में नहाने। हाँ, मतलब ये बात तो है। फसल भी नहीं हो पा रही है। फसल वो जो घास फूस है वो भी बकरी और गाय ये सब चर भी नहीं रहे। ऐसा कहा जैसे कि भाई ने बताया कि नहीं, यहाँ पर जो घास है जहाँ अगल बगल में उसमें बकरियाँ चर भी नहीं रही है, या इसका मतलब उसका टेस्ट खराब है या कुछ दिक्कत है। तो ज़रा सा आप ये देखना चाह रहे थे कि क्या आपको दिक्कत है पैर में। हाँ, थोड़ा सा खड़ा होइए, तो मतलब आप नॉर्मली चल नहीं पाती है। हाँ, मतलब कि है ना, कमजोर है। ये पैर इनका बचपन से ऐसा नहीं था, 4 साल की उम्र में इनको ये तकलीफ हुई और ये जिंदगी भर इनको इसी तकलीफ के साथ जीना पड़ रहा है। फिर मैं ये बात वही कह रहा हूँ कि इन लोगों का गुनाह क्या है और इसी वजह से इनको इनकी शादी भी नहीं हो पाई और अपने मायके में ही इनको ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। तो ये जो तकलीफ़ है इनको, जो ये दर्द मिल रहा है, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? एक घर में हम लोग आए हैं, जैसा कि आपने देखा विजुअल में, ये एक बच्चा है और ये बहन है और ये दोनों जो है, ये बच्चे का फुआ है, है ना। तो ये दोनों ही इनको तकलीफ़ है चलने में और बोलने में भी, इस तरह की इनको इनके साथ दिक्कत है और बचपन से है और ये लगातार ये जो दंश है झेलने के लिए ये विवश हैं। और ये बच्चे के चचा हैं, नाम क्या है आपका? लखन। लखन है आपका नाम। तो ये इनके बारे में बताइए, कब से आप ऐसा देख रहे हैं और क्या क्या इसका कारण क्या? डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, डॉक्टर को सबको दिखलाए हैं, मतलब क्या है कि मतलब सब जगह दिखलाए हैं इनका ये, और ठीक से चल भी नहीं पाती है और बचपन से ही मतलब जब से हम देखे हैं, मेरा दीदी है मेरा, तो चल भी नहीं पाती यार, मतलब चल चल के गिर जाती है और इस वजह से बोलने में भी हकलाती नहीं बोल पाती है, ठीक से ये स्थिति है। और क्या कहें इस पर डॉक्टर की, जब आप लोग दिखाए हैं इतनी बार जो भी दिखाए हैं, तो डॉक्टर का क्या कहना होता है, कोई रिपोर्ट क्या बताते हैं, क्या कारण से ऐसा हो रहा है? कारण तो मतलब यहाँ तो देखिए, यहाँ आपका जो सेल कंपनी का जो ये है माइंड चल रहा है रेडिएशन के चलते, तो ये सब हुआ है वो। अच्छा, आपके इस गांव में और भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है? हाँ है, बड़ा बस्ती में है ऐसे है। लगातार लोगों में अपंगता देखी जा रही है, बीमार हो रहे हैं लोग, मतलब उनका जीवन ही दुभर हो जा रहा है, जीवन एक तरह से अभिशप्त हो जा रहा है। क्या इनका गुनाह है, क्या इनका दोष है, अब इस पर जिम्मेदारी किसकी है, ये सारी बातें हैं। सरकार क्या कर रही है? यूसील ठीक है, परमाणु का उत्पादन करना ये बहुत अहम चीज़ है देश कि जब रक्षा की हम बात करते हैं, लेकिन इनका क्या, इनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? ये विचारणीय प्रश्न है और इसका जवाब जिम्मेदार लोगों को देना ही होगा। अभी भाटिन पंचायत के मुखिया जी से हमारी बात हो रही है और हम लोग तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीएल का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, जहाँ पे यूरेनियम का जो भी होता है, यहाँ पे खनन होने के बाद प्रसंस्करण होता है और ये बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है, सभी जानते हैं हम लोग। अब मुखिया जी से अभी बात हो रही है, मुखिया जी बताएंगे क्या क्या दिक्कतें जो आप लोग करीब से महसूस कर रहे हैं। हम लोगों का यहाँ जो भाटिन गांव है, भाटिन गांव से जो और की जो गाड़ी चलती है यूसीएल का जो है वह ढंपर जो है, वो आपका तुरामडी हुआ, नरुआ पहाड़ हुआ, जो हमारे यहाँ जादूगुड़ा माइंस में जो मिल है उसमें वो लोग लेके पिसाने के लिए जो है और को पिसाने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि कंपनी जब नरुआ हो, तुरामडी हो, जो और वहाँ से लेके आते हैं, हमारे जो इस जो रोड है, रोड में पूरा गिराते हुए चल जाते हैं, जिसके चलते हम लोगों को जो ये अभी हमारा रोड में भी दिख भी रहा है, हमारा
जो खाने पीने में भी वो समा जाता है, और हम उससे बाद में जब हम लोग खाना ना खाते हैं, लास्ट में जो हम लोग का चावल पानी बचता है उसमें लास्ट में देखते हैं तो जो ये कण यहाँ पर गिरा हुआ रहता है सेम कण वो भी वहाँ मिलता है हम लोगों को। और हम लोग पूरा यहाँ जो है प्रदूषित, जो हमारा इस वातावरण जो है पूरा प्रदूषित हो चुका है, और हम जो खाना खाते हैं पानी पीते हैं वो भी हमेशा में रेडिएशन का जो प्रभाव पड़ रहा है उसी के चलते हम लोग का जो आयु है वो भी घट रही है काफ़ी चलते। हम इसमें क्या बोलेंगे, इस चीज़ को लेकर हम यही बोलना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ के जो लोग हैं उनको किस तरह से जीने का एक रास्ता दिखाया जाए ताकि आने वाला दिन में किसी तरह का असुविधा ना हो। उसको जो UCIL का जो और जो यहाँ से जा रही है किस तरह से लेना चाहिए, वो काफ़ी दिन से लापरवाही है। और इस क्षेत्र के जितने भी कुछ ऐसे महिलाएं हैं जो आपको विकलांग भी मिलेंगे, जो इसके चलते उनको इफेक्ट हो पड़ रहा है। दिक्कतें बहुत हैं, सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि देश हित की बात है, यूरेनियम का उत्पादन हो, सब कुछ हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है उस पर तो कुछ करना होगा। उस पर जिम्मेदारी किसकी है? फिर वही बात, वही प्रश्न हम दोहराते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार के लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या UCIL प्रबंधन हो, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, क्योंकि ये जीवन मरण का प्रश्न है, इनकी आजीविका का प्रश्न है।